टाटा कर, इस गाड़ी का इंतजार जो है हम लोग काफी टाइम से कर रहे थे। फाइनली टाटा मोटर्स ने इसका जो इंतजार खत्म कर दिया, यानी कि इसका एक टीजर वीडियो जारी किया जिसके अंदर इसकी कमिंग सून के टैगलाइन के साथ भाई इसका टीजर आ चुका है, यानी कि कंफर्म हो गया कि जल्दी इस गाड़ी को जो है आने वाले टाइम के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो इसके कुछ रेंडर डिजाइन आप देख सकते हैं, ये इसके इलेक्ट्रिक मॉडल के रेंडर है जो कि भाई इंस्पायर्ड लग रहे होंगे आपको टाटा की हैरियर से, जो हैरियर जो आती थी प्री फैसिलिटेड हैरियर उससे इंस्पायर्ड है। बाकी इसके कॉन्सेप्ट को तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी टाइम हो चुका है। यहाँ पर आप इसका डिफरेंट देख सकते हैं कॉन्सेप्ट और रेंडर डिजाइन के अंदर, फ्रंट लुक के अंदर। तो रियल लाइफ के अंदर ये इसका जो भाई फ्रंट लुक है वो काफ़ी हद तक इंस्पायर रहेगा जो टाटा है की जो नेक्सॉन आती है फैसिलिटी उससे। भाई कॉन्सेप्ट के अंदर तो हमने इसके कई सारे मॉडल देखे, 3 बार एक्सपो के अंदर भी इसके अंदर देख लिया, 2 बार ऑटो एक्सपो के अंदर और 1 बार बाहर के यानी कि इंडिया से बाहर के और एक्सपो के अंदर। अब फाइनली जो है टाटा मोटर्स जो है इसको आईसी और इलेक्ट्रिक दोनों वर्जन के अंदर लॉन्च करने वाली है। इसको आईसी इंजन के साथ भी इसका कॉन्सेप्ट रिवील किया गया था कर्व के नाम से ही, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टाटा मोटर्स ने। और ये काफ़ी हद तक इसका मतलब प्रोडक्शन रेडी मॉडल कहा जा रहा था, या फिर ऑलरेडी मतलब प्रोडक्शन रेडी मॉडल ही था। लेकिन अब यानी कि फाइनली इस गाड़ी का जो है इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च होने वाला, पहले जो भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा जो कि इसका इलेक्ट्रिक मॉडल रहने वाला है। यानी कि ये इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी रेंज मिलने की उम्मीद है। और ये जो है वो सब 4 मीटर एसयूवी का सेगमेंट है, यानी कि ये क्रेटा और किया सेल्टोस से कंपेयर करने वाली इंडियन मार्केट के अंदर। और ये अपने भाई जो भी इंडियन ब्रांड है या फिर बजट बजट सेगमेंट की एसयूवी है उनके अंदर फर्स्ट टाइम भाई इंडिया के अंदर कोई कूपे एसयूवी लॉन्च होने वाली है। इसके बाद भाई महिंद्रा की भी आने वाली है, और भी धीरे धीरे सभी जो है वो भाई ब्रांड जो है वो इस सेगमेंट के अंदर आने वाले हैं। अब बात करें इस गाड़ी के आईसी इंजन की, तो इसे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 के फेस्टिव सीजन तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिंद्रा ने इसका टीजर वीडियो जारी किया जहाँ पर इसकी जो है वो टेस्टिंग राजस्थान थार डेजर्ट के अंदर भाई इसे जो टेस्ट किया गया 50 डिग्री गर्मी के अंदर भाई टेम्परेचर के अंदर। आप देख सकते हैं इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है, कुछ लोग कहते हैं भाई जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसके अंदर भाई जल्दी से मतलब आग लगने की बहुत ज़्यादा मतलब होती है, तो इस बारे में काफ़ी टेस्ट किया गया, यानी कि 50 डिग्री के अंदर काफ़ी इस गाड़ी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलाकर टेस्ट किया गया है। पहले इस गाड़ी को जो है इस साल इलेक्ट्रिक मॉडल के अंदर लॉन्च किया जाएगा। भाई इसकी जो प्राइस रहेगी वो अप्रोक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 से 15 लाख रुपए की शुरुआती प्राइस के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। और बाकी इसकी जो है रेंज के आधार पर भाई देख सकते हैं किस प्रकार की, 400 से 500 की जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।